हेलो फैमिली, कुछ न्यू लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। मेकअप भी करूँगी और बताऊँगी। फैमिली चलते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं। मॉइस्चराइजर। हेलो फैमिली, सो आज मैं कुछ अलग कुछ न्यू लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। सो फैमिली चलते हैं, मेकअप स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं क्या लगा रही हूँ, कैसे लगा रही हूँ, आप लोग पूरे ब्लॉग में बने रहिए और ऐसे देखते रहिए, मतलब बारी बारी में बताती भी जाऊँगी। सबसे पहले लगाएंगे मॉइस्चराइजर, देख सकते हैं। सॉरी गाइस, प्राइमर नहीं है, तो आप लोग स्किप मत करना, आप लोग ज़रूर लगाना अगर ट्राई करना। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइमर लगाओगे तभी, ऐसे भी कर सकते हो, तो कोई बात नहीं। सो गाइस लगाएंगे फिर हम फाउंडेशन, फाउंडेशन लगाएंगे तो बढ़िया से लगा लेते हैं। सबसे पहले आई मेकअप कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से धो लिया है, देख सकते हैं कितना फूल गया है। पहले मतलब बहुत छोटा सा लग रहा था तो जो गीला हुआ ना तो पानी पड़ गया तो ज़्यादा हो गया, तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। आप भी जब ये चीज़ ध्यान रखें, जब भी मेकअप करें तो इसको ज़रूर धोया करें, उसके बाद ही अपने फेस पे अप्लाई किया करें। देख रहे हैं कितने अच्छे से हो जा रहा है ना, इसको आप लोग भी ज़रूर धोकर ही ट्राई किया करें। अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। थोड़ी देर आप लोगों को टीवी की आवाज़ आ रही होगी, मम्मी आगे रूम में देख रही है ना, तो इस वजह से। सो फैमिली काफ़ी अच्छे से लग गया है ना, अब मुझे शीशे का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि। सो गाइस उसके बाद लगाएंगे फेस पाउडर थोड़ा सा आँखों पे। एंड ये मेरा टूट गया है, कोई ना इतने से काम चला लेते हैं, बाद में लगाएंगे। पूरा मेकअप होगा फिर अच्छा लगेगा। तो आइस का तो हो गया, अब हम इसके बाद लगाएंगे, अब हम इसके बाद आईलैशेस लगाने जा रहे हैं, उसके बाद लगाएंगे आईलाइनर। जो मैंने कल मंगाया था वो नहीं है, ये दूसरा है मेरे पास, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो वाला है। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कट करने जा रही हूँ। सो गाइस आईलाइनर भी बहुत ही अच्छे से लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। अब मैं इस पर लगाऊंगी आईलाइनर। सो फैमिली आईलाइनर भी बहुत ही अच्छे से लग गया है, अब मैं लगाऊंगी काजल। आईलाइनर मैंने थोड़ा थोड़ा लगा लिया है, अब इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। फाइनली गाइस आँखों का मेकअप डन हो गया, देख सकते हैं कैसा लग रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। सो फैमिली आँखों का मेकअप हो गया, फैमिली देख सकते हैं कैसा लग रहा है। गाइस शीशे के बगैर कुछ नहीं होता, मैं शीशे में देखे बिना कर ही नहीं पाऊंगी कि कैमरे में देख के मैं कर लूँ, इसलिए आप लोग ऐसे ही देखो मैं करती जा रही हूँ। अब हम लगाएंगे लिपस्टिक, तो मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ रेड कलर की। पहले हम करेंगे आउटलाइन, तो मैंने इसी से ही पेंसिल से ही पूरी लिपस्टिक लगा ली, उससे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी भी रेड कलर की लगानी पड़ेगी क्योंकि हमारा जो ड्रेस है इसी अकॉर्डिंग है। तो इससे करने से यही फ़ायदा होता है गाइस, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। जिसको लिपस्टिक लगाने में प्रॉब्लम होती हो वो इससे ज़रूर लगाया करें, इससे पता है आप बहुत ही बारीकी से बहुत ही नॉर्मल तरीके से इसको लगा सकते हैं साइड साइड से, एंड उसके बाद आप अपनी लिपस्टिक अप्लाई करें, बहुत ही अच्छे से हो जाता है। जिसको लगाने नहीं आता उसके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक है, और मैं तो फिलहाल आज लगा रही हूँ, मैं वैसे ही लगा लेती। ओके गाइस डन, हमारी लिपस्टिक भी लग गई, और अब हमें क्या करना है, ब्लशर लगाना है। सो फैमिली मेकअप हमारा फाइनली हो गया है डन, कुछ कमी लग रही है ना, बिंदी, तो हम लगाएंगे बिंदी। तो ये मेकअप है, ये शादी पार्टी फंक्शन आप जैसी मर्जी मतलब रेडी हो सकते हैं उसके लिए। वाह अब अच्छा लग रहा है ना बिंदी लगा के।
बहुत खाली खाली सा लग रहा है। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ, कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताएं। देख सकते हैं आई मेकअप, ये गाइस मुझे मेकअप करने आ गया। सो गाइस फाइनली मेरा मेकअप हो गया है डन, देख सकते हैं कैसा की हूँ मैं मेकअप, कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड आई मेकअप देखिए अच्छा लग रहा है गाइस। हर किसी को इतना मेकअप करने आना चाहिए क्योंकि अक्सर हमारे पास कोई होता नहीं है या हम अक्सर पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो इतना तो आना चाहिए ना कि हम खुद अपना मेकअप कर सकें। तो आप लोग ये ट्राई कर सकते हैं, ये आप पार्टी फंक्शन शादी जहाँ जैसे मर्जी आप लोग ये मेकअप जरूर ट्राई करें और बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आई होप कि आप लोग को भी अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। इस बहुत मेहनत मैंने किया है, इतना सारा सामान मैंने सारा पलट के रख दिया है, अब इसको मैं सारा रखूँगी और मेहनत इतनी लगी है तैयार होने में कि मैं ही जानती हूँ। और मुझे वाकई अपना मेकअप बहुत ही प्यारा लग रहा है मैं शीशे में देख रही हूँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब मैं पहनने जा रही हूँ साड़ी और उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। सो फैमिली मैंने पहन ली है साड़ी और बनाने थोड़े से बाल, इसके साथ ये पहनने जा रही हूँ, तो ये कैसी लगेगी कमेंट में बताना। वैसे अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग है ना, मेकअप के अकॉर्डिंग तो सही है, हो गया डन। एंड ये रिंग पहन लेते हैं एक हाथ में और ये वाला इसमें, ठीक है। एंड चूड़ा रहेगा, चूड़ा पहन लेते हैं। इसके साथ भी मैं कड़े रखी हूँ क्योंकि ये ना चूड़ा थोड़ा सा बड़ा है तो आगे पीछे हो जाता है, इस वजह से ना ये कड़े चूड़ियाँ लगा लेती हूँ तो सही रहता है। मतलब यदि कड़े ही है तो ये कांच का भी मिक्स हो जाता है, कहते हैं ना कांच का पहनना चाहिए अक्सर चूड़े के साथ, कांच की चूड़ियाँ जरूर लगानी चाहिए, तो वही मैं लगा के ही पाती हूँ। तो ये लगा लूँगी आगे पीछे, इससे क्या होता है ना आगे पीछे चूड़ा फिर होता भी नहीं है, सही रहता है। तो ये जो मैं डाल रही हूँ ये मेरे सेकंड करवा चौथ का था ये चूड़ा, तो काफ़ी अच्छा है देख सकते हैं। ये भी मम्मी ने ही लाया था, बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, लगा था क्या लगा है। सो गाइस चलते हैं, अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं और थोड़ी मोड़ी रील्स बनाएंगे, फोटोज़ खिंचवाएंगे, उसके बाद फिर फाइनली लुक चेंज चेंज करूँगी। और आगे भी बहुत भारी भारी सी लग रही है क्योंकि पहली बार लगाया ना, इस वजह से कोई ना अच्छा लग रहा है ना बस तो चलते हैं। सो गाइस हो गई है फाइनली, सो अभी फाइनल लुक दिखाती हूँ। सीला आ गई है, थोड़ा खाना खा रही थी, मैंने कहा खाओ खो के आना, चलते हैं फिर दिखाते हैं कैसे क्या। तो ये आ गई है तो चलो हम दिखाते हैं अपना फाइनल लुक और फोटो वोटो खिंचवा लें, थोड़ा रील्स बनवा लें, उसके बाद फिर आप उनसे बात करते हैं थोड़ी देर तक। हे फैमिली, सो आई होप कि आपको मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। तो ये आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे शादी फंक्शन पार्टी जो भी, मतलब जैसे मर्जी आप लोग, मतलब मैंने तो निकाल दिया सारा कुछ और मुँह फटाफट धो के आई, मुझे इतना अजीब लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ। और बाकी अभी ये सब समेटूँ सारा,
सब रखना है, रखती हूँ। और आई होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट मेकअप लेके। ओके बाय बाय।